अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सी एस 601 डाटा कम्युनिकेशन का असाइनमेंट नंबर 1 आ गया है। तो इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन के इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एलएमएस खोलना है। एलएमएस में जाके आपने अपने सी एस 601 के सब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पर असाइनमेंट फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है इसी के अंदर, आप इस कोर्स के अंदर आपने जाना है डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में जाके आपने इस चैप्टर की देखें पेज नंबर 5 पर जाकर आप स्लाइड डाउनलोड कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट जो, तो आपने जाकर डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपना असाइनमेंट खोल लें, ठीक है। तो असाइनमेंट देख लेना क्या है हमारा। तो सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 है आपका, टोटल है 20 मार्क्स का, ठीक है। बहुत ज़रूरी है 20 मार्क्स का, ये है कि 20 मार्क्स बहुत अहम है, वैसे भी आपका मिड टर्म नहीं होना, ठीक है। और ड्यू डेट है आपकी 29 मई, फिलहाल अभी जो करंट ड्यू डेट है वो है 29 मई 2020, ठीक है। आगे जाकर एक्सटेंड भी हो सकती है, कुछ पता नहीं, लेकिन आप बेहतर ये है कि जल्द से जल्द कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है कि द असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। असाइनमेंट सबमिटेड नहीं होगा अगर आप आफ्टर ड्यू डेट के बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। द असाइनमेंट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, आपको जो असाइनमेंट है वो एम एस वर्ड की फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन होता है, एम एस वर्ड की फॉर्मेट में आपका फाइल असाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। और फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो असाइनमेंट आपको कॉपी नहीं करना, अगर कॉपी होगा तो असाइनमेंट के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बताएगा आप, उसमें बोल रहे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके अंदर आप लोग पता चल रहा है किस कौन सी नेटवर्क टेपोलॉजीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन मोड्स, ठीक है, और टीसीपी आईपी लेयर्स क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, आपका असाइनमेंट दिया है तो आपको बोल रहे हैं सुनहरी हो, ठीक है, बोल एक सुनहरी है, ठीक है। आपको कह रहे हैं क्या, सपोज प्राइम मिनिस्टर पी एम ऑफ टू कंट्री ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। दो कंट्री के एक प्राइम मिनिस्टर है, एक है ए बी सी एंड एक है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको आप समझ कर लें, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो आर होल्डिंग एन इंपॉर्टेंट मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहे हैं किसके, वीडियो के थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करने जा रहे, ठीक है। तो नेटिव लैंग्वेज ऑफ बोथ कंट्रीज आर डिफरेंट, नेटिव लैंग्वेज वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ की उर्दू है, वहाँ की इंग्लिश है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हाउ आर बोथ द पी एम्स आर एबल टू यूज टू इंग्लिश लैंग्वेज फॉर डिस्कशन, ठीक है। अब इंग्लिश जो है हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश को फॉलो करते हैं ताकि हम लोग को लोग कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, इंग्लिश पर बात करते हैं, ठीक है। अब दे आर टू मीटिंग हॉल्स, ठीक है। वो कह रहे हैं दो मीटिंग है, हॉल 1 कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी ए बी सी और हॉल 2 अमेरिका यानी एक्स वाई जेड, ठीक है। उनका मैं नाम दिया। अब वो कह रहे हैं इन पी एम हाउस ऑफ ए बी सी कंट्री, यानी अब वो कह रहे हैं पी एम हाउस ऑफ ए बी सी कंट्री, यानी कि पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान क्या ए बी सी, वो कह रहे हैं ए बी सी कंट्री बोथ हैव डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हॉल 1 में जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और हॉल 2 में जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर है, वो क्या बोलते हैं डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। यानी उनके नेटवर्क अलग है, हॉल 1 में कंप्यूटर नेटवर्क अलग है और हॉल 2 में कंप्यूटर नेटवर्क अलग है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हॉल 1 हैज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ 18 कंप्यूटर्स, ठीक है, वेयर ईच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अलग कंप्यूटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हॉल 1 में जो है कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ 18 कंप्यूटर, यानी कि 18 नेटवर्क से कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है। वेयर ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर, वो कह रहे हैं कि हर कंप्यूटर जो है वो अलग कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, ठीक है, इन दैट नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क, ठीक है। वेयर एज क्या, हॉल 2 में क्या हैज 8 कंप्यूटर्स, वो कह रहे हैं कि हॉल 2 यानी अमरीका में क्या है एक्स वाई जेड में 8 कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड हो गए विच इधर थ्रू अ सेल्फ सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस, ठीक है, जो कि 8 कंप्यूटर्स में कनेक्टेड हो गए थ्रू अ सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस, ठीक है। टू फॉरवर्ड डाटा ओनली टू इंटेंडेड डेस्टिनेशन, ताकि फॉरवर्ड मेन डाटा को ट्रांसफर किया जाए एक फाइनल डेस्टिनेशन तक जहाँ से पहुंचे, ठीक है। एंड द सेल हैज़ बीन यूज फॉर द मीटिंग ऑफ पीएम, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क जो है वो किस चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हम पीएम से बात कर सकें, यानी दो कंट्रियों के दरमियान आपस में बात कर सकें, ठीक है। फॉर द मीटिंग्स ऑफ पीएम, ठीक है। अब बोथ द हॉल्स आर कनेक्टेड विद ईदर थ्रू एन इंटरमीडिएट नेटवर्क प्लेस डिवाइस, ठीक है। वो कह रहे हैं बोथ द हॉल्स यानी कि एक्स वाई जेड एंड ए बी सी यानी पाकिस्तान अमेरिका जो है दोनों कनेक्टेड विच ईदर थ्रू एन इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस, दोनों जो है वो एक डिवाइस से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मीटिंग इज बीन हेल्ड इन ए स्मूथ फ्लो, वो कह रहे हैं मीटिंग जो है बहुत अच्छे से फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। वेयर ईच पीएम कैन लिसन एंड स्पीक टू ईच अदर एट द सेम टाइम, वो कह रहे हैं दोनों जो बात करें लीडर्स, तो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे को कह सके, एक दूसरे को सुन सके, ठीक है। यानी कि वो बोल सके और सुन सके, वो सुन सके तो वो बोल सके, लेकिन फॉरन जब दे सके, ठीक है, पता चला गया इसके अंदर ईच अदर एट द सेम टाइम, ठीक है। आप पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया, वो कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ को मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया, वो आपको सॉल्व करें, ठीक है। तो भी इस तरीके से पैराग्राफ आते, सबसे पहले आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आप क्वेश्चन पढ़ लें, फिर पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं स्टेप ऑफ टेपोलॉजी इज यूज इन हॉल 1, वो कह रहे हैं कि हॉल 1 में कौन सी टेपोलॉजी यूज हो रही है, पता है हॉल 1 जो है क्या ए बी सी यानी क्या पाकिस्तान। अब यहाँ आप देखें, यहाँ बात की है विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज इन हॉल 1, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हॉल 1 में जो है कंप्यूटर ऑफ 18 कंप्यूटर्स हैं, वेयर ईच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, ठीक है। यानी कि अदर कंप्यूटर यानी एक नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं, तो ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। साइड में देखें, आपको अगर देखा जाए तो ये देखें, आपको फिजिकल टेपोलॉजीज दी गई हैं, ठीक है, होती चार टाइप की, मैच, स्टार, बर्स, सीलिंग। अब आप अगर गौर कीजिए यहाँ पे, वो कह रहा है कि वेयर ईच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर, ठीक है, टू अदर्स कंप्यूटर। अदर का वर्ड देखें आपको शो कर रहा है यहाँ के, देखें तो कौन सी टेपोलॉजी हो गई है,
मैच टपलिटी क्यों? क्योंकि देखें मैच में एक दूसरे से अलग अलग कनेक्टेड हुए हैं, देखें सेम नहीं है, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ तो यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये एक डिवाइस जो है चार डिवाइस से कनेक्ट हुआ, यानी ये इससे भी है, ये इससे भी, ये इससे भी, ये इससे भी है, और ये पाँच पर चार से कनेक्ट हुआ, यानी एक यानी ये पाँच है तो पाँच चार से कनेक्ट हुआ और पाँच चार से कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, आपको आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैश है या ये बस है, ठीक है। क्यों? अब आप देखिए मैश और बस ही मिलते जुलते यहाँ लग रहे हैं, ठीक है, कैसे लेकिन तो अलग हो रहा है। अब मैश और बस ही कैसे, आप देखें यहाँ लिखा है गौर से बड़ा, बस में भी देखें एक साथ जा रहा है, लेकिन क्या इसमें एक पट्टी पर जा रहा है, वहाँ डिफरेंट जा रहा है। अगर मैं पढ़ा मैं यहाँ लिखा है कंप्यूटर विद ईच कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, ठीक है, ईच कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, डायरेक्टली कनेक्टेड हुए मैं टू अदर कंप्यूटर से, यानी एक ही नेटवर्क पर अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड हुए, ठीक है, सेम नेटवर्क पर कनेक्ट नहीं होंगे। अगर सेम होता है फिर क्या होता है, हम लिखते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, इसका आंसर है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। पहले का आंसर हो गया आपका मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अब दूसरा कह रहे हैं वॉट इज टोटल नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड इन द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ द हॉल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू का लिंक जो है वन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपका पहले ही सवाल गलत होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया गलत। क्यों? हमें पता है कि मैश टोपोलॉजी में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एन ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट डिवाइड बाई टू, यानी एन नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाई टू, ठीक है। यानी हमें एन क्या होता है यहाँ पर, एन हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस, यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर कह लें या नंबर ऑफ पीसीज कह लें या नंबर ऑफ डिवाइसेस कह लें, ठीक है। अब वो कह रहे वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स बट इन आइडेंटिटी ऑफ ऑल, हमें कितने के नेटवर्क चाहिए होंगे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता ही है, तो हमने क्या किया एन के हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर पीसी के डिवाइसेस, ठीक है, वो क्या हमारे पास 18, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, यह है फॉर्मूला एन के अलग क्या होगी 18। अब एन माइनस वन क्या होता है 18 माइनस 1, ठीक है, 18 माइनस 1 क्या हो गया 17, और उसको डिवाइडेड बाई टू से करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 153। अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें इसको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें एन माइनस वन आया 17, ठीक है। अब 17 को उनसे मल्टीप्लाई कर 306 है, और 306 को अगर हम हाफ करते हैं डिवाइडेड बाई टू कर दें तो हमारा आंसर आएगा 153। ये देखें यहाँ पर 153, ठीक है, ठीक है। तो आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपके वीडियो लेक्चर में भी इंस्ट्रक्टर ने आपको एग्जाम्पल दी थी लिंक्स की, हमारे पास अगर 5 कंप्यूटर्स थे तो हमारे पास उसके लिंक्स कितने होंगे, तो इंस्ट्रक्टर ने मल्टीप्लाई किया था 5 माइनस 1 4 मतलब 5 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर आता 10 लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज थी इसलिए आपका आंसर आता 153 लिंक्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स बीइंग यूज इन द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी इन द हॉल 1, ठीक है। अब ये सवाल काफ़ी गौर से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए गौर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, हमें कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए होंगे बीइंग यूज इन द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी, यानी उस टोपोलॉजी के अंदर इन द हॉल 1, यानी हॉल 1 में जो हमें टोपोलॉजी दी गई है उसके अंदर हमें कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए होंगे हमें कनेक्ट करने के लिए। बट क्या बट टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स का मतलब यही है कि हमें कितने पोर्ट्स चाहिए होंगे पावर्स को पीसी में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। बीइंग यूज्ड इन द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी इन द हॉल वन में क्या था, हमारे पास 18 पीसी थे। अब 18 पीसी को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हमें कितने पोर्ट्स चाहिए होंगे, इसमें ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मीनिंग होता है पहचान, इसकी पहचान क्या है, ठीक है। अब आप जो आपको सही लगे वो आप कर लें, आप चाहे तो एन माइनस वन यानी एक कंप्यूटर को पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए 17 हमें पोर्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है, या तो आप ये कर लें। लेकिन यहाँ लिखा है वोटर टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने चाहिए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स के मुताबिक तो इसका आंसर ये बनता है कि 18 में से अगर एक का है, ठीक है, यानी एन माइनस वन जो आपका फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, 18 में से एक का 17 होगा, 18 आपके पीसीज थे उसमें से आपने फॉर्मूला का 1 अप्लाई किया माइनस वन, यानी 17 पोर्ट्स आपको चाहिए होंगे एक पीसी को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने चाहिए होंगे, तो आप क्या करेंगे 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। क्यों? क्योंकि आप देखें आपको मैच में अगर आप देखें 5 पीसी आपस में कनेक्ट थे, तो आप देखें अगर आप 5 को आपस में कनेक्ट करना है तो देखें 4 कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, 5 में कनेक्ट नहीं होगा, 5 तो वो खुद ही ऑलरेडी बेसी है, तो 5 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए 4 पोर्ट्स चाहिए होंगी। तो इसी तरीके से हमें अगर 18 पीस को कनेक्ट करने के लिए 17 चाहिए होंगी पोर्ट, ठीक है, तो इसलिए हमने 18 को 70 से मल्टीप्लाई किया। जब हम 18 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 306, क्या मतलब 306 हमें पोर्ट्स चाहिए होंगी टोटल, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सेफ जोन है, देखिए अगर आपका ये आंसर गलत भी होता है तो आपने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एक पीसी में लगाना चाहें तो 17 होंगे, और आप उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल 306 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सेफ जोन यही है, तो आप ये इसमें लिख दें, ठीक है। अब चौथा है व्हाट कंप्यूटर टोपोलॉजी इज यूज इन हॉल 2, अब हॉल 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब वो हॉल 2 की तरफ आ गया, हॉल 2 क्या है हमारे पास अमेरिका यानी कि एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर व्हाट कंप्यूटर टोपोलॉजी इज यूज इन हॉल 2, देखिए हॉल 2 में कौन सा टोपोलॉजी देखें यहाँ लिखा हुआ है, हॉल 2 हैज 8 कंप्यूटर कनेक्टेड विच ईच अदर थ्रू अ सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस, ठीक है, ठीक है। आप सिंपल कह रहे हैं सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस, अगर आप स्लाइड में यहाँ पर देखें तो यहाँ पे देखें एक डिवाइस क्या है, ये एक डिवाइस है 4 कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही लाइन पर कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक पोर्ट है लेकिन 4 पीसी एक पर कनेक्ट हुए, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर आप देखें और यहाँ पे जो पूरा रिंग बना हुआ है
उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो यहाँ वो कह रहा है कि एज कंप्यूटर कनेक्टेड, एक कंप्यूटर कनेक्टेड विच ईच अदर, ठीक है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हुआ है, कंप्यूटर कनेक्टेड विच इज थ्रू अ सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका बन रहा है हब क्यू, के ये आपस में कनेक्टेड हुए हैं किसके जरिए, एक डिवाइस के जरिए। तो आप ये देखें कि एक कंप्यूटर कनेक्टेड विच ईच थ्रू अ सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस, ठीक है, जो आपस में कनेक्ट हुए हैं एक सेंट्रल डिवाइस से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी। ये हम आके देखते हैं यहाँ पे, तो आपका आया है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको सही हो गया, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग डिवाइस डेट इज बीन यूज आइडेंटिफाई टोपोलॉजी फॉर द होल टू, और कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग डिवाइस, जो कनेक्ट हुआ है उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा डिवाइस है जो यूज़ हो रही है, आइडेंटिफाई टोपोलॉजी फॉर द होल टू, ठीक है। ये हम ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पे हब, कौन सा डिवाइस देखिए स्टार्ट होगी टेक्नोलॉजी, अब डिवाइस कौन सी आ रही है हब, ठीक है। स्टार टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिवाइस इस्तेमाल हुई है वो आपकी हो रही है हब, सही से आपके यहाँ आ गया आंसर हब, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ गया, व्हिच कैटेगरी जियोग्राफिकल वाइज ऑफ नेटवर्क एग्जिस्ट इन द हॉल वन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कौन सी कैटेगरी में जियोग्राफिकल वाइज जो है नेटवर्क एग्जिस्ट इन हॉल वन, ठीक है। अब हॉल वन के अंदर कौन सी कैटेगरी में शामिल होते हैं आपका, ठीक है, ठीक है। तो हॉल वन हमें कह रहा है कि, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हॉल वन है कंप्यूटर नेटवर्क 18 कंप्यूटर है विच ईच कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि और कंप्यूटर के सारे कंप्यूटर में कनेक्टेड हुए हैं, इसमें ये नहीं बताया वो कहाँ हुए हैं, ठीक है। अगर किसी और कंट्री में होते तो वो मेंशन करता है कि भाई इस कंट्री में मौजूद थे, और अगर कंट्री में होते मौजूद यानी एक नेटवर्क से दूसरे कंट्री लिंक होता तो हमारे पास होता वैन या मैन, ठीक है, उसको आप छोड़ दिया अभी। तो यहाँ लिखा हुआ है भाई कि एट कंप्यूटर वे ईच कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क, वो नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, इसमें मैंशन नहीं किया कहाँ हुआ है। सिंपल आपका आंसर क्या होगा, लैन, लैन क्या होता है आपका, आप दे साइड में देख लेते हैं इसका, ताकि हम लोग और गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको लिखा हुआ है नेटवर्क क्लासिफिकेशन, नेटवर्क टाइप के जैसा जियोग्राफिकल ऑनरशिप, लोकल एरिया लैंड और बैड एरिया, ठीक है। लोकल एरिया में क्या होता है, एक ही बिल्डिंग में आपके होंगे तो वहाँ आपके होंगे लोकल, वाइड में क्या होता है वाइड यानी एक बिल्डिंग से ज़्यादा, या आउटर कंट्री में भी वाइड आपका आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नशा में यह सब लग क्या हुआ आपका लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में क्या वही है, आप उसका भी जो है यहाँ पर अगर आप देखें लिखा हुआ है हॉल टू एट कंप्यूटर कनेक्टेड विच पीछे जाए थ्रू आर सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइसेस, ठीक है। अब कहाँ मेंशन है, ये मेंशन नहीं किया, और सिंपल क्या होगा, ये भी लैंड हो जाएगा कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग में एक जगह बनाया होगा लैंड, ठीक है। तो ये आपको होगा जियोग्राफिकल वाइज लैंड, ठीक है। अब एट में क्या है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क बीन क्रिएटेड व्हेन द नेटवर्क ऑफ बोथ कंट्रीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर मीटिंग ऑफ पीएम, ठीक है। अब दोनों कंट्रीज जो आपस में बात कर रहे हैं तो ये कौन सा नेटवर्क कहलाएगा, तो ये कह रहा है कि नेटवर्क क्या कहलाएगा, इनका नेटवर्क की क्या टाइप कहलाएगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसको मालूम करो, ठीक है। अगर आप स्लाइड्स पे तो देखें, स्लाइड्स का मैं देख चुका है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक ही बिल्डिंग में रहते हुए होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के आपस में अगर नेटवर्क कनेक्टेड हो तो इसका मतलब ये होगा वैन, और वैन के अलावा भी एक होता है मैन, एम ए एन, ठीक है, वो यहाँ मैंशन नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मैंशन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब कि आपने उसको टॉपिक से रिलेटेड दिया, या तो वो लोकल होगा या वो वाइड होगा। अब हमें पता है कि लोकल में जो है एक ही बिल्डिंग में रहते हुए अब कनेक्शन होता है, सिंपल क्या होगा, इसका आंसर होगा वाइड, ठीक है। तो सिंपल ये आसान है आपको, ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट। अब क्वेश्चन नंबर नाइन में आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन मोड विच इज एनेबल बोथ द पीएम टू लिसन एंड स्पीक टू ईच अदर सेम टाइम, ठीक है। अब अगर आपने इसकी लेक्चर ली हो तो सिंपल जो कह रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन मोड कहलाएगा जिसमें जो है हम बोल भी सकें और सुन भी सकें, ठीक है। तो ये आप स्लाइड में अगर आप देखें आप, ठीक है, तो ये देखें डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा फ्लो, ठीक है, डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है, एक सिंप्लेक्स होता है, एक हार्ड डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या होता है कि जैसे यहाँ से जा रहा है, बस जा रहा है वहाँ पहुँच गया, इसमें क्या होता है, इसमें जा रहा होता है और जाने के बाद फिर जब वो सुनता है फिर वो रिप्लाई करता है, इसमें क्या, और यानी कि जा भी रहा है आ भी रहा है, जब बोल भी रहा है तो यहाँ से भी बोल भी सकते हैं, सुन सकता है और बोल सकता है, ठीक है। यानी एक वक्त में दो काम हो रहे हैं, यहाँ पे एक वक्त में सिर्फ एक काम हो रहा है, यहाँ पे एक वक्त में जो है दो काम हो रहे हैं, लेकिन क्या रुक के हो रहे हैं, पहले जब वो जा रहा है तो फिर ये आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो फॉरन कह रहा था यहाँ फॉरन बोल रहा है, यानी फॉरन आ जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका फुल डिप्लेक्स हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आगे तो पी एम लिसन एंड स्पीक टू ईच अदर एट द सेम टाइम, ईच अदर एट द सेम टाइम, यही सेंटेंस को बोल रहे कि फुल डिप्लेक्स होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टेन में है, ठीक है, अब इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, कह रहे हैं कि विच लेयर डिवाइसेस, अब कौन सी लेयर्स कहलाएगी वो विल बी यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क ऑफ बोथ कंट्री, ठीक है। अब दो कंट्रीज के दरमियान बातें हो रही हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, अब वो लेयर्स कौन सी कहलाएगी, ठीक है, अब नेटवर्क पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अब वो कौन सी लेयर्स कहलाएगी कि हम कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बात हो रही है तो वो कौन सी लेयर्स कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कन्फ्यूजिंग है, मैंने नेट में सर्च किया, अगर मैं आपको दिखाऊँ मैंने काफ़ी सर्च किया है यहाँ पर, अगर आप देखें, ठीक है, तो मैंने सर्च किया, देखिए अब इसको यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको कह रहा है ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा लिंक है, फिजिकल लेयर है, ठीक है। अब देखें नेटवर्क लेयर की आप बात करें, यहाँ वो कह रहा है कि अगर जहाँ पे आपका राउटर कनेक्ट है, राउटर आईपी, ठीक है, तो इस सेंस में आप नेटवर्क लेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप यहाँ देखें फिजिकल लेयर में कह रहे हैं हब,
अगर देखा जाए तो हमने एक जगह हब यूज़ किया यहाँ पर, तो इसका कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप फिजिकल वेब यूज़ कर दें तो सही रहेगा। देखिए नेटवर्क लेयर भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करें जब हम आगे लगे और लेक्चर्स लेंगे तभी हमें अंदाज़ा होगा कि परफेक्ट किया। ठीक है, अभी हमें बेसिक लेवल पर हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं है कि नेटवर्क आएगा, फिजिकल आएगा, या इसके अलावा और लिंक भी आ सकते हैं। तो मैंने जितना सर्च किया है सिर्फ एक जगह पर नहीं, अगर मैं दूसरी जगह पर आगे देखूँ यहाँ पर भी उसने यही किया, फिजिकल लेयर अगर आप हब्स के जरिए कर रहे हैं केबल्स वगैरह की होती है, लेकिन जब देखें डाटा लिंक दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है हब का मैं समझ, यहाँ लिखा हुआ TCP IP प्रोटोकॉल। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर आप TCP IP लेयर्स का ऑब्जेक्टिव फेलियर होगा आपका, तो उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने नोट किया है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे हब्स आ रहा है, तो हब्स के अंदर क्या वो शो कर रहा है आपका, नहीं शो कर रहा है, फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं, फिजिकल लेयर ही शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गया सर्च किया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में उसने बताया, तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको यही शो कर रहा है कि फिजिकल लेयर आ रहा है। तो मैंने तीन जगह शो किया है, कन्फ्यूजन मुझे थोड़ी हुई है, लेकिन मुझे बेहतर जो लगा ज़्यादा एविडेंस मुझे लगा फिजिकल लेयर है। ठीक है, तो आपको बेहतर यही है कि आपको फिजिकल लेयर लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है अगर आपको लगता है फिजिकल लेयर सही नहीं है तो आप इसका कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ तक मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया है कि मैंने सर्च किया है, ऐसे ही नहीं बताया गया कि इसमें क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसमें मैं लिख दूँगा जैसे ऐसे फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका असाइनमेंट। ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं करना है, आपको असाइनमेंट फाइल चाहिए तो आप सिंपली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दें, ईमेल या जीमेल आईडी जो भी मेंशन कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह एक घंटे के अंदर अंदर आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।